से निकाली गई दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट सीस्ट दोस्तों। रेलवे के केंद्रीय अस्पताल में मिर्जापुर में 19 वर्षीय लविसा रंजन के पेट से 28.3 सेंटीमीटर और 24.4 सेंटीमीटर चौड़ी, 28.3 सेंटीमीटर लंबी, 24.3 सेंटीमीटर चौड़ी और 12 सेंटीमीटर गहरी डिंब ग्रंथि एंड्रोमेट्रियम चॉकलेट सिस्ट निकाली गई है। रेलवे और मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन किया है। दावा है कि दुनिया की सबसे बड़ी सिस्ट निकाली गई है। 27 जनवरी 2024 को परिजन लड़की को रेलवे के केंद्रीय अस्पताल लेकर पहुंचे। उसके पेट में दर्द और सूजन थी, सांस लेने और नित्य क्रिया करने में समस्या हो रही थी। अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन के बाद चॉकलेट सिस्ट का पता लगा। सिस्ट फेफड़े तक पहुंच गई थी। 31 जनवरी को रेलवे के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय कुमार व मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर सभी अहमद ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में करीब 3 घंटे का समय लगा। इस दौरान लड़की के पेट से 5 लीटर से अधिक चॉकलेट ब्राउन तरल पदार्थ निकाला गया। 3 घंटे बाद लड़की को होश आया। अब वह पूरी तरह से ठीक है। चिकित्सकों का दावा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट सिस्ट है। इससे पहले 1997 में जापान के चिकित्सक ने 33 वर्षीय महिला के पेट से 25 सेंटीमीटर लंबी, 18 सेंटीमीटर चौड़ी, 12 सेंटीमीटर गहरी सिस्ट निकाली थी, जिसमें 2500 मिलीमीटर चॉकलेट ब्राउन कलर का तरल पदार्थ निकला था। पैदा होते ही 6 दिन बाद हुई थी सर्जरी। चिकित्सकों ने बताया कि जब यह लड़की पैदा हुई थी तो उसकी आंतें आपस में उलझ गई थी। पैदा होने के 6 दिनों बाद ही बच्चे का बड़ा ऑपरेशन हुआ। लड़के चिकित्सकों का कहना कि लड़की से तेजी से रिकवरी कर रही है। जल्द ही उसे अस्पताल